बात की भिनक मेरी जिठानी को नहीं पढ़नी चाहिए बस। हाँ ओए नहीं भाई, मेरे लिए ना अच्छे अच्छे से डिजाइनर जोड़े ढूंढो ताकि मैं शादी पे पहनूं अनमो भाभी की आंखें ना पट्टी की पट्टी रह जाए। क्या है? पहले ना अपनी आंखें फाड़ के देख लो अपनी इस फखरिया पेशकश को। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। वालेकुम सलाम। दिखा मम्मी। नहीं दिखा। नहीं मम्मी दिखा ना। ओए लो कोई शर्ट फड़वा के ले आई है तुझे। कितनी दफा कहे जो सींग है ना ये ना दिया कर दूसरों में। अपनी तो सिर्फ शर्ट फड़वा के आया है ना, उस शानी का सर फाड़ के आ रहा है। हाँ तो क्या हो गया, चार टांगे तो लगे हैं। हाँ कह तो ऐसे रहे जैसे शेरवानी पे टांके लगे हैं, सर पे टांके लगे हैं उसके। उसको देख के ना मुझे पांडा का बच्चा याद आ गया, कल क्लिनिक में आया था उसके सर पे भी चार टांके लगे थे। ओए तू ना बस यही तमगे ले हैं, ये तमगे ले तू ठहर जा जरा, पढ़ाई ना करी कभी भी। खबरदार मैं भी जाके टाइम को बताता हूँ, छुप छुप के कपड़े बना रही है। ओए ओए मैं मर गई। पुत्र तेरी माँ को तो पैदाइशी बीमारी है, हर काम लुक छुप के करती है मुझसे। बकवास कर रहे भाभी, झूठ बोल रही है। नो 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 शी इज लाइंग। अभिषेक पापा से पूछना फोन पे क्या बातें कर रही थी। हाँ मुझसे क्यों पूछे, मैं तो नहीं बताऊंगा। रहने दे साबर, तेरी गवाही की जरूरत नहीं है, मुझे सारा पता है। ये तो अपने बालों की जो काली पेन होती है ना वो भी मुझसे छिपा के रखती है कि मैं नजर ना लगा दूं कहीं। भाभी जी आप ना इस बेवकूफ की बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दें, रिलैक्स रहें। तू अपनी बीवी से कह दे बेली से कि बोर्ची खाने पे ध्यान दे, ताऊ जी ने दलिया खाना है, इसको है कोई फिक्र? बड़ 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 बड़। ये खोटा सिक्का ना, ये खर्च होटेगा किसी दिन मेरे हाथ में बता रही। खोटा सिक्का नहीं खर्च होता। भाभी जी नाराज होके गई है। हाँ तो होती रहे मेरी बला से, अब मैंने सबकी परवाह करनी छोड़ दिया। तू चारों से कैसे जान छुड़ाऊं। अब बात सुनो, तुम इतनी देर से परी के साथ घूम रहे हो, परी को इतनी प्यास लग रही है, कुछ पिलाई दो, कुछ ठंडा, कुछ कुछ सोडा। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस अभी लाया यार, ये सोडा बनाना। यारी बट ये परी कहाँ गई यार? शोभी मुसीबत में फंस गया हूँ यार, मैं परी घूम गई है। पहले इतनी देर ढूंढा है, अब दादी ने कहा कि पार्किंग में बैठ के उसका इंतजार करो, पूरा घंटा हो गया वेट कर करके, वेट भर गया ब्रो मेरा। कहाँ थी तुम? तुम यहाँ मजे से गाड़ी में बैठे हो, पता भी है परी गुम गई है, ढूंढ नहीं सकते थे? तीन घंटे से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें, और एक घंटे से यहाँ पार्किंग में बैठा इंतजार कर रहा हूँ, दादी ने कहा कि तुम यहाँ आ रही हो। और परी जो तीन घंटे से पूरी मार्केट में घूम रही है, वो कोई शॉपिंग भी नहीं की परी ने, कुछ खाया भी नहीं। चलो घर जाके खा लेना ना। तुम कहाँ जा रहे हो? घर। क्यों? परी ने भी शॉपिंग करनी है। तो तुम्हारी दादी रो रो के पागल हो गई है उधर। परी को नहीं पता, परी को शॉपिंग करनी है अभी, ढेर सारी जूते भी लेने और कपड़े भी। गाड़ी पार्क कर लो। कर लो, इसी भी खोलो, बहुत गर्मी हो रही है। क्या हुआ है तुम्हें? गुम परी हुई है, मुंह तुमने लटका लिया है। मिल गई है वो। तो अब ये बिल्लू और परी का इंटरेक्शन कोई नया चांद ना चढ़ा दे, उसकी मंगनी भी टूट गई है। फिकर मत करो, ये जो चौधरियों की लड़की है ना, इनको लड़ने और मरने के अलावा और कुछ भी नहीं आता है। प्यार मोहब्बत ना इनके बस की बात नहीं है। लेकिन दिल तो ये बातें नहीं मानता ना। बात तो बताओ। बोले ये पूरी दुनिया छोड़कर तुम्हें वो बिल्लू ही मिला था, एक नंबर का लड़ाका, अपनी तरफ से हीरो। चुप करके कपड़े तय करे खाला, शिफ्टिंग करनी है कल। इसी बात का तो रोना आ रहा है, वहां जाऊंगी दिन रात अपनी ताशी की शादी की तैयारियां देखूंगी ना, सोच सोच कर ना मेरा दिल खाक हुए जा रहा है। वैसे वो मुझे कोई खास खुश नहीं लग रही शादी से। ओके वाइब्स आ रही वाइब्स। हाय काश ऐसा हो। ओहो अब ये निम्मो आंटी को क्या काम पड़ गया मुझसे, अभी तो आई उनके घर से। वही काम जो छोटी आपी को मुझसे पड़ गया है। चले फिर उठा अपना फोन ना। नहीं रख दो, काम करो, इतना सारा काम है। सोग मनाना बंद करो अब। रमजान आया और रोजा रखो जी। रमजान दादा आपने बुलाया? रमजान दादा, रमजान दादा। धज धज फिर चिकता
क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो आपके साथ है, आपने तो फोन किया था दादा को कि आपको मेरी सर्विसेज चाहिए। हाँ जा मेरे पुत्र दौड़ के जा, तूबा बाजी का सामान उठा के ना अपने घर शिफ्ट कर दे। रमजान दादा आपने क्या मुझे सामान उठाने वाला लोडर समझा है? पुत्र ट्रांसपोर्टरों का सपूत तो है ना तू, अपना ट्रकों का अड्डा, जवान बन जवान। और मेरा पुत्र जा, जाके ना अपने दादे की 190 की स्पीड पे सारा काम फड़का दे। बस जब आप लोगों को मतलब होता है तो बच्चे को भी जवान बना देते हो। खैर ये पकड़े। जा मेरा बेटा सियाणा हो गया। ओए बंटी, ओए बंटी इधर आ बेटा। है मेरे लायक कोई काम, कोई खिदमत? अरे मेरा पुत्र, अरे मेरा बच्चा, बात सुन। खीर, बर्फी, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, जो भी लाना बेटा दो दो लाना। आवाज आर मुंह बढ़ाया इसने भी। किधर गया ये? तो ये तो हो गया, इसको ले। पारो खाला, ये तो अभी तो कॉल कर रही है दोनों। लगता है कोई इमरजेंसी हो गई, जाने देना। ये देवरानी जेठानी को हमारी याद ना एक दूसरे को टफ टाइम देने के वक्त ही आती है। सारा समेट लो, उसके बाद जाके सुन लेना उनकी गॉसिप। समेट तो दी, और कितनी समेटू? सारा तो मैंने समेटा है। हेलो, ये क्या लंडा मार्केट खोल के रखी हुई है आप लोगों ने? बंटी शुक्र है तुम आ गए, मेरा ये सारा सामान पहुंचा दो प्लीज मेरा भाई। कहाँ? अल्लाह मियां के पास। शाबाश, दिल जलाने में ना बिल्कुल ताशी मामू पे गए हो अपने। आप दिल की बात करिए, मैं तो पूरा उन पे गया हूँ। खैर बारोखाला जल्दी बताए, टाइम नहीं है मेरे पास। और हाँ, फी चक्कर 100 रुपए चार्ज करूंगा। बंटी तुम कितने चलाक हो, 50 रुपए में डन करो। चलो उठाओ बॉक्सेस, ध्यान से उठाना। ये 10 kg 50 में, ये तो चाइल्ड लेबर में नहीं आ जाएगा? 7 तो घर है तुम्हारा। अच्छा कर देती हूँ 100 में डन, लेकिन मेरे बहुत कीमती जूते हैं, इन्हें ध्यान से पहुँचाना अपने गेस्ट रूम तक, समझे? बेफिक्र हो जाए, बंटी चौधरी नाम है, इत्मीनान और भरोसे का। ओ भाई ओवर एक्टर, उठाओ बॉक्सेस। एक्शन तो चेक कर लो इनके। वैसे बड़ी कमीनी मुस्कुराहट के साथ लेके गया सामान, लगता है कि कार्रवाई करेगा। ऐसे ही वहम पालती हो तुम। वहम नहीं है, बिल्लू के चेहरे पे भी सेम मुस्कुराहट आती है जब उसने कोई कार्रवाई करनी हो। ठीक है बच्चे, मैं टेरेस से जाके देखती हूँ। मेरी बला से इसको अगर घर तक ले गया तो बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। आपकी से हैदराबादी मेहमान ने जूती खरीदनी थी, उसके लिए आए हुए। मैकेनिक भेज दिया था आपने? ठीक, आता हूँ ना। सुनो हा? देखो कैसे लग रहे हैं ये? यार जो पसंद है पैक करा लो, तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मेरी टांगों की पिनियों में दर्द शुरू हो गई। ऐसे कैसे ले ले? अभी तो रेट करवाना होगा ना। ये तुम्हारा हैदराबाद नहीं है जहाँ रेट करवाते हैं, ये बड़ी दुकान है, यहाँ रेट फिक्स होते हैं। जो पसंद है पैक करा लो। लेकिन पैसे नहीं है परी के पास। तुम्हें किसी ने पैसे देने का कहा है? तुम्हारा क्या भरोसा, मांग लिए तो। क्यों नहीं रहा ये? मैं ना छोड़ दे, मैं कर देता हूँ। यो छोड़ो, मैं कर देता हूँ। सॉरी सर। चलो इसी बहाने सही, तुम परी के आगे झुके तो। तुम्हें पसंद है ये? क्या? ये जो पहना हुआ है। हाँ परी को ना ये दोनों भी पसंद है। हाँ तो ले लो, पैक करें। ओके सर। जल्दी से कर दे, दादी इंतजार कर रही होंगी ना। ये भी खोलो। पता
पता नहीं क्या कर रहा है मेरे जूते पर। मेरे जूते? बंटी के बच्चे? बेटा घर को तेरा। 1000 का काम हम कराएंगे तो ऐसे ही होगा। मेरे जूते। अब जो तेरे साथ होगा ना बंटी चौधरी, वो पूरा लाहौर देखेगा। इन्हीं जूतों से आके तेरी पिटाई करूंगी, वरना पारो नाम नहीं मेरा। हाँ बंटी चौधरी, तो रुक इधर। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने पारो के जूते फेंके। उधर जा, उधर से पकड़। रुको इधर। पकड़ो इसको। आंटी खैर तो है ना, अपने इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे? तुम बा मुझे ये बता कि तेरी कोई सहेली है डिजाइनर, ड्रेस डिजाइनर? अब सहेली तो डिजाइनर नहीं है, लेकिन उसकी मदर है। खैरियत? मदर कुछ सुरसवाद के जोड़े बनाती है, ये बड़े बड़े डिजाइनरों की कॉपियां बनाती है। आप प्रॉब्लम बताए ना, मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ताशी की शादी पे ना मैं कोई फर्स्ट क्लास फैशनेबल न्यू ड्रेस पहनूं कि सब देखे तो देखते ही रह जाए। तो आप शपो आंटी से कहें ना, उनकी ड्रेसेस की चॉइस कितनी जबरदस्त है। मस्त कर दफा कर उसको, इड्डी चलाक इड्डी मीसनी है ना वो। वो तो अपने कपड़ों का रंग भी नहीं मुझे बताती, छुपाती है। पता नहीं काहे का कंपटीशन लगाया हुआ उसने मेरे साथ। अच्छा मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जब आऊँ ना तो सब कहे हाय आ गई निम्मो बेगम, बैजा बैजा हो जाए सबकी। आप अपना बजट बताएं। ले बजट की क्यों फिक्र करती है, खजाने की कुंजी है मेरे पास, पैसे की टेंशन ना ले। तो बस फिर टेंशन क्या है, मैं आपको ऐसे आला डिजाइनर के पास लेके जाऊंगी कि याद करेंगे मुझे। याद सही है, ये बात तेरी मेरे बीच में रहनी चाहिए, बेस्ट फ्रेंड यू नो। नो टेंशन नो टेंशन। ताशी का बीच में आ गए। हां जी फरमाओ, की मुसीबत पै गई हूं? दो मिनट में बैठ जाओ, तुम लोगों को चैन नहीं। यहाँ बोल क्या हुआ है? फोन आया था लकड़ मंडी वालों का, सूट का नाप मांग रहे हैं। तो दे दे, सूट का ही नाप मांगा है ना उन्होंने, कोई बोरी का नाप तो नहीं मांगा। उनसे कहें जो नाप आप चाहिए वो आपसे ले, मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। ले दस, कल तक तो तू इजाजत मांग रहा था लड़की से मिलने की, अब कह रहा है कि आप दे देना। आप तो उन्होंने कौन सा दे दी? लगता है उसी का साड़ इसको पड़ा हुआ, उसी का गुस्सा है। निम्मो आंटी मुझे ये बताएं कि परी वापस आ गए कि नहीं? अभी बात हुई थी मेरी, वो दोनों शॉपिंग कर रहे हैं, जूतियां शूतियां ले रहे हैं ना। तू छोड़ परी को, देख बस सिर्फ मेरे पे ध्यान दे, मेरे कपड़ों पे और कुछ नहीं। हाँ हाँ टेंशन ना ले, मैं करती हूँ कुछ। बस जल्दी से जा, मुझे जल्दी बताओ चुप करके। हाँ हाँ तेरे मेरे बीच में ऐसा जोड़ा होगा कि इसकी तैसी फिर जाएगी सालों की। हेलो कौन सी कॉर्नर मीटिंग चल रही थी इस वक्त? कुछ नहीं, वो मैं परी का पूछने आई थी। अच्छा वो एक घंटा पहले मैंने पारो को फोन किया था, आई नहीं अभी तक। एक घंटा पहले? अब फिक्र ना करें, मैं अभी जाके भिजवाती हूँ। भेज दे जल्दी। एक मिनट को ना, परी को लगा जैसे कोई कयामत ही टूट गई है। तो तुम्हें किसने कहा था दादी को अकेले छोड़ के जाओ? वो एक सहेली नजर आ गई थी, उसके पीछे भागी, वो तो नहीं मिली, लेकिन ना दादी घूम गई। एक सहेली की खातिर, सिर्फ एक सहेली की खातिर तुमने अपनी सभी दादी को घुमा दिया? अस्तग़फ़िरुल्लाह। गाड़ी रोको यहाँ। अब क्या मुसीबत है, गाड़ी रोको। अब क्यों रोकूं? गाड़ी रोको, ये लड़के इतनी देर से परी को छेड़ रहे हैं और तुम कह रहे हो क्या मुसीबत है? हैं? यो ओए रुको, क्या मसला है? अरे बाजी आपका दुपट्टा। वो तो बाजी कह रहे हैं छेड़ का रहे हैं। वैसे आपके शाहरुख की खूब पिटाई की थी हमने। शाहरुख कौन है? वो एक नमूना पीछे लग गया था मार्केट में। अच्छा अब मार्केट में गवाची कहाँ बन के घूमोगी, तो नमूने ही पीछे लगेंगे ना। बात सुनो, परी हूँ परी,
चलिए मत समझना, और आइंदा से इस तरह बात नहीं करना परी से। तुम सीधी हरकतें करोगी तो हम भी सीधी बातें करेंगे तुम्हारे साथ। यो मैं हूँ वो है, बातें हैं बस दरमियां। ये निम्मो भाभी तूबा को लेके क्यों बैठी हुई थी कमरे में? भाई मुझे क्या पता, आप भी तो मुझे लेकर बैठी है ना कमरे में कैद करके। नहीं मुझे तो लगता है निम्मो भाभी ना फिर से कोई शब्द एक चढ़ा रही है चूल्हे पे। हाँ वैसे ये जो घड़ी आप ही है ना, अकेले ना कोई हांडी नहीं पका सकती। चल छोड़, शॉपिंग पे चलेगी मेरे साथ? हैं मैं तो क्या हो गया, पहले भी तो तू ही जाती थी, अब मैंने ऐसी कौन सी अनोखी बात कर दी है जो इतना हैरान हो रही है? नहीं मेरा मतलब है कि ताशी की शादी की शॉपिंग है ना, तो सुलन बड़ी आप ही जाएं तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। नहीं बस रहने दो, उनके सारे असूलों कवानीन ना अपनी फेवर में होते हैं, बाकी वो किसी को कुछ नहीं समझती। हाँ ना मैंने तुझे कब कहा है कि ताशी की बरी के लिए जाना है, मैं तो अपनी शॉपिंग की बात कर रही हूँ। अच्छा वैसे छोटी आपी? जी बहुत छोटी पारो। ये जो बड़ी आपी हैं, मैंने सुना है लक्कड़ मंडी वाले ना खास समझ में नहीं आया उनको। नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, पसंद तो उन्हें आई थी कुड़ी, लेकिन वो लोग जरा माठे हैं, इस वजह से ना उनकी नाक के नीचे नहीं लग रहा। ताशी में कौन से हीरे जड़े? नहीं ऐसे तो मत बोलो, ताशी हमारा बहुत अच्छा है, बहुत नेक है, बहुत शरीफ है, सबों के बाद ना उसने किसी को आंख उठा के नहीं देखा। इसी बात का तो रोना है मुझे। क्या मतलब? नहीं मैंने सोचा कि अगर किसी को देख लिया होता, कोई पसंद आ जाता तो घर नहीं बस चुका होता उसका। नहीं कभी ना बसता, निम्मो भाभी वाली दीवारें चीन को अबूर करना कोई आसान बात है? ये तो मेरा हिम्मत और हौसला है जो मैं अपना मत्ता देती हूँ उनको। हाँ कब जाना है शॉपिंग के लिए? तो मैं सोच रही थी कि कल तो तुम लोग शिफ्ट हो ही जाओगे ना, तो शाम में चलते हैं। लेकिन हाँ निम्मो भाभी को ना इस बात की भिनक नहीं पड़नी चाहिए। हाँ वैसे मैंने तो बड़ी बड़ी बातों की ना भाप भी नहीं लगने दी किसी को, कसम से। ओए ओए इतना सैड क्यों हो रही है? चाय पिए? छोटी आप ही इतना जिद कर रही है तो पिला ही दें। बहुत छोटी पारो, वैसे मैंने जिद तो नहीं की, पर चल तेरे लिए बना लेती हूँ। आ जा दोनों मिलके बनाते हैं। आ जा आ जा आ जा ना। अच्छा आ जा आ जा। दादी दादी परी आ गई। आ गई आ गई परी आ गई। आपने तो बच्ची को आते ही आटे की तरह गुनना ही शुरू कर दिया। दादी पीस आउट, तुम्हारे परी को जान से मार दिया इसलिए इतना जुल्म करती है ना क्योंकि परी के मम्मा पापा नहीं है। चले गए मम्मा पापा परी को छोड़ के, चले गए। और ना मेरा पुत ना बहुत जुल्म करते हैं हम क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है। ठीक है हम जालिम हैं, हम बहुत जालिम हैं, भाई हम तो बहुत ही जालिम हैं। नमः मेरा पुत्र। चल चल नमः मेरा पुत्र। इतनी छोटी डोंगे की चम्मच जितनी जमीन के मम्मा पापा का इंतकाल हो, अब देखो ना कैसी मुंह भर भर के हमें बातें सुनाती। दादी मैम मैंने हिसाब लगाया वो खुद ग्रो कर गई है, उसका दिमाग अभी ग्रो नहीं किया। आप एक काम करें ना उसकी बातों को नजरअंदाज किया करें। कैसे नजरअंदाज कर रहे? 2 मिनट लगते हैं हमारी सब किए कराए में वाटर भेज देती। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसका ऊपर वाला खाना खाली है, कुछ नहीं है यहाँ। परी कोई बेवकूफ या ना समझ नहीं है बड़े अंकल, जो दिल में होता है ना वही जबान पर ले आती है। पुत दिल की हर बात जुबान पे लाने वाली नहीं होती।
अगर दादी को परवाह होती ना परी की, तो वो परी को वहां छोड़कर ही नहीं आती। ये बात अपने दिल से पूछ, क्या दादी को परवाह नहीं है तुम्हारी? जा जाके सॉरी कर उनसे, तुम्हें हमारे सामने उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब देखो कैसे हमारे लब पर बात बात पर उंगली उठाती है। मुझे लगता है बेचारी ने मोहब्बत में धोखा खाया है ना, उसका गुस्सा उतारती है वो सब पे। मेरी बात माने अब, किसी काट के उल्लू के साथ शादी कर दे मसलाल। उल्लू? उल्लू की भी तो कोई ओपिनियन होगी ना, उसका कोई शागिर्द होंगे क्या? ढूंढे आप, मुझे जरा दादाजी का एक बड़ा जरूरी काम है, मैं जाऊं। जी दादी। You are a very, very good boy. I know that. और हम तुम्हें misunderstand करते हैं young man. कोई बात नहीं, आप देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। Okay. Thank you. अच्छा नहीं कर रही तुम अब प्यारी दादी के साथ परी, ऐसे नहीं करते। कैसे हमने तुम्हें पाला दोगे कि चम्मच जितनी की सब फिर कहीं चला दे रही हो तुम हमें। नहीं एक बात बताओ मुझे, क्या मिला तुम्हें दादी का दिल दुखा के? कि दादी और परी का पर्सनल मैटर है। दादी और परी का पर्सनल मैटर है? पर्सनल मैटर क्यों चौक में कचहरी लगाते हैं? कचहरी तो तुमने भी लगाई हुई है या बीच रास्ते में? यह बिकॉज मेरा और तुम्हारा मैटर जो है वो पर्सनल नहीं है। भड़का दिया दादी ने तुम्हें, परी के खिलाफ भड़का दिया। प्यार करती है तुम्हारी दादी तुमसे, तुम्हारे खिलाफ किसी को भड़काएंगी क्या? हाँ लेकिन गुस्से में दादी कुछ भी कह सकती है। और जब तुम खुद गुस्से में होती हो तब? तौबा तौबा तौबा, चार गुना ज्यादा अन्नी डालती हो तुम। तुम्हारा मसला क्या है? मोहब्बत की कदर करना सीखो, और जिंदगी में जो एक वाहिद रिश्ता मौजूद है ना, उससे तो बदगुमान मत हो कम से कम। और सुनो मेरी एक बात याद रखना, अकेली रह जाओगी। दादी, your daddy is dead. मुंह पर तो झूठ मत बोलें। अच्छा बात तो सुने ना, तुमने जो हमारा तमाशा लगाना था गैरों में लगा दिया। Now leave me alone. गैर तो नहीं है वो लोग, हमारे लिए तो गैर है obviously, तुम्हारे लिए होंगे अपने। जब हम चले जाएंगे तो बिल्कुल खुशी खुशी रहना अपनी ननिहाल के साथ। दादी गो अबे परी जन, गो वे जाओ, उड़ जाओ, चली जाओ यहाँ से। Thank you.
तुम यहाँ बाहर बैठी क्या कर रही हो? इतने मोटे मोटे मच्छर हैं, किसी ने काट लिया तो डेंगू हो जाएगा। इंसानों से ज्यादा तो नहीं काट सकते ना। लगता है दादी ने काफी सेटिंग कर दी है तुम्हारे दिमाग की। परी, तुम रो रही हो? ओए चरी, रोते नहीं है पाक। इधर देखो मेरी तरफ, इधर मेरी तरफ देखो तो। लगता है दादी ने पूरा सॉफ्टवेयर ही अपडेट कर दिया। अच्छा चलो बस यार, रो तो ना ना तुम। अच्छा परी, मैं जाऊं तुम्हारी दादी के पास जाके, मैं सॉरी करूं उनसे। अच्छा चलो साफ करो, साफ करो, ये भी साफ करो। बहुत ना बुरे तरीके से डांटा है दादी ने। सॉरी बट तुमने भी बदतमीजी की है उनके साथ। कोई बदतमीजी नहीं की थी परवी ने, सारी जिंदगी इसी तरह लाड किया दादी के साथ। लाड? ये लाड था? बड़ा डेंजरस किस्म का लाड है तुम्हारा। तो और किससे करूं? परी का तो कोई भी नहीं है ना, सारी जिंदगी रिश्तों के लिए तरसती रही हूं। कोई भी नहीं? ननिहाल में, कुछ दयाल में, कुछ दूर का रिश्तेदार भी? कोई भी नहीं है। पापा ना इकलौते थे और मम्मा को उनके घर वालों ने पसंद की शादी करने की वजह से आस कर दिया था। जालिम, बड़े जालिम खानदान वाले हैं तुम्हारे भाई। बिल्कुल तुम लोगों की तरह। तुम लोगों ने भी माफ नहीं किया था ना इस घर की इकलौती बेटी को। तुम्हें किसने बताया? पारो खाला ने। वो शायद बेस्ट फ्रेंड थी तुम्हारी, वो पुप्पी की। देखो मेरी बात सुनो, ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसमें इंट्रूड ना करो। यही से ना तुम लोगों का डबल स्टैंडर्ड पता लगता है, अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और। तुम अपनी बात में हमें क्यों घसीट के ला रही हो यार? जाओ दादी ने रात में जाके माफी मांगो उनसे, जाओ मनाओ उन्हें। क्या मनाओ? सारी जिंदगी मुर्गी के डरबे के नीचे छुपा कर रखा है दादी ने। क्या खाएगी, क्या पहनेगी, क्या पढ़ेगी, सारे फैसले हमेशा दादी ने ही किए। फिर भी ना किसी बात पे वो नाराज हो जाती है परी से। परी ने ना पहली बार महसूस किया है जिंदगी को। यहाँ आकर पता चला है किस कुएं से बाहर भी एक दुनिया है। दादी ने ठीक नहीं किया है परी के साथ। तुम भी गोगी छोड़ रहा है, मैं भी अब्बू की कोई बात नहीं मानता हूँ, लेकिन इतना बेवकूफ नहीं हूँ। एक बात का पता है मुझे, जो माँ बाप होते हैं ना, ये हमेशा आपका अच्छा सोचते हैं। जी मानती हूँ, माँ बाप हमेशा अच्छा ही सोचते हैं अपनी औलाद के लिए, लेकिन वो ये क्यों नहीं सोचते कि औलाद को क्या अच्छा लगता है, कि औलाद को खुल के सांस लेने का हक भी नहीं है। पड़े आए दादी के चमचे। अच्छा ना, बंद करो खुद को अजियत देना। तुम्हें देख देख कर ना मेरा दिल भी सैड हो रहा है। आप माने या ना माने, उन दोनों के बीच में कोई सीन जरूर ऑन है। तुम्हारे पास है ना ऑफ का बटन, जाके दबा दो। कर भी दूंगी मैं ऑफ, इतनी आसानी से उस परी को अपना परिस्तान नहीं बसाने दूंगी मैं यहाँ पर। हाय, किसी जमाने में मुझे भी यही लगता था कि ताशी के घर को ना पारो के अलावा कोई आबाद नहीं कर सकता। ओहो खाला, आपका मामला और है, हमेशा मेरी कहानी में अपनी स्टोरी घुसा देती है। हाँ तो ठीक है, कल आबाद होने जा रहे हैं ना उनके घर, आजमा लेना अपनी किस्मत। सिर्फ घर नहीं, दिल भी बात करके दिखाऊंगी। दिल के बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है, अच्छा है।
हे चरी, तुम गई नहीं दादी को मनाने के लिए? नहीं, इसे तस्बीह कह रही हूँ कि वो मान जाए। अच्छा चलो, बाकी की तस्बीहें जाके अंदर कर लेना, और फिक्र मत करो, वो मेरी वजह से तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। दोस्ती हो गई है दादी और बिल्लू चौधरी की। दोस्ती तो खैर दादी की परी के अलावा किसी से भी नहीं है, लेकिन खैर चलती हूँ तुम्हारे साथ। सुनो, ये मत समझना कि परी पर कोई एहसान कर रहे हो। नहीं, पेपर वाला हिसाब बराबर। चलो तलाश ने हमारी जिंदगी का चैन और सुकून बर्बाद कर दिया। पता नहीं इसके फोन से हमें कौन कॉलिंग किए जा रहा है। वो आ जाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। अब दादी बहुत अच्छी है, उन्हें तुम्हें कुछ नहीं कहना। मेरे साथ शर्त शर्त लगा लो, अभी देख लेना, लगा लो शर्त। वैसे दादी बड़ी अफसोस की बात है, फराग दिल मलका दादी और उनकी सल्तनत में एक बेचारी परी परेशान उड़ रही है। हाँ तो मलिका का दिल जो दुखाएगा तो फिर सारी जिंदगी उसको चैन और सुकून नहीं मिलेगा। देखे कहाँ चैन और सुकून में वो। आपको पता है आज गुंडों में फंस गई थी बाजार में। गुंडों में? कहाँ से आए गुंडे? कैसे आए गुंडे? कोई नकली शाहरुख लग गया था इसके पीछे। मैं इतनी जल्दी कैसे मर सकता? नहीं, दरअसल हमारे जो पड़ोसी है ना, उनके बिल्ले का नाम भी शाहरुख था। वो ना गाड़ी के नीचे आके मर गया था, तो दादी बहुत रोई थी। याद है दादी, आप कितना रोई थी जब शाहरुख मर गया था? Exactly. हमने तो हाफ केजी मिल्क भी उसके लिए लगवाया था स्पेशली। इतना मोटा ताजा था, एक सिटिंग में सारा मिल्क फिनिश कर लेता था। चले बस ठीक है ना, देखे ना उसकी तरफ, बेचारी कितनी परेशान है। और वैसे भी आज दादा जान ने भी इसको बहुत ज्यादा ही डांट दिया कुछ। दादा ने डांटा है? है? क्यों डांटा है दादा ने? हमने दादा को हर किसी इजाजत नहीं दी कि हमारी बच्ची को डांटे। हमारी बच्ची को फालतू की है, जो जिसका दिल चाहे वो डांटना शुरू कर दे। ठीक है, ये हमारा मामला है, हम डांटे या ना डांटे, लेकिन हमने किसी और को इजाजत हर किसी नहीं दी कि वो हमारी बच्ची पे आवाज भी उठाए। वो तो परी को समझा रहे थे कि दादी की बात माना करो, वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं और वो तो हमेशा तुम्हारे भले के लिए सोचती हैं। उनसे ज्यादा प्यार तो कभी कोई तुम्हें नहीं कर सकता। I see. He is quite a gentleman. वैसे by the way, उनकी बेगम के वफात के बाद आप लोगों ने उनकी दूसरी शादी क्यों की? बस हमारी बरादरी में कोई ऐसी मिली नहीं, कोई आप जैसी खूबसूरत, खूबसीरत, रोशन ख्याल और चेहरा भी रोशन, और ऐसी फ्लुएंट इंग्लिश। वैसे मैं बड़ा लिबरल हूँ दादा के मामले में, कोई ऐसा मामला होता ना तो बिल्लू चौधरी जरूर साथ देता। Oh, I see. वैसे हमें भी कहा था लोगों ने कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, ग्रेसफुल हो, पढ़ी लिखी हो, तुम क्या सारी जिंदगी इस चिड़िया के बोट के साथ ही गुजारो? लेकिन हमने कहा नो, फ्रॉम नाउ ऑन बर्थ दिस लिटिल बेबी विल बी माई ओनली लव। यो, चलो फिर आ जाओ, दादा की गोदों में बैठो, हग कर लेते हैं। ओ दादी, थोड़ी बम्बई भी। चलो शुक्र है ये मामला तो हल हुआ। आप लोग करिए आपस में बातें, मैं चला जाता हूँ। दादी की मोहब्बत से चक नहीं सकते मेरी जान। शाहरुख की कॉल। एक अगली बकरी के पास कौन सा नेटवर्क है जो इसकी कब्र में भी काम कर रहा है? ये डीढ़ हड्डी जिंदा है। जिंदा है? हाँ, परी को ना आज बाजार में मिल गया था। बाजार में मिल गया था? जी, और बता रहा था कि उस रात जो एम्बुलेंस आई थी ना, वो मंजूर अंकल को हार्ट अटैक हो गया था। वो मर गए क्या? जी, बहुत अफसोस हुआ उसके मरने का, लेकिन किराए के नुकसान का ज्यादा। और परी का जो आपने इतना बड़ा नुकसान किया, वो
नाराज नहीं हुआ करें आप परी से। आपको पता है ना परी आपको कितना प्यार करती है। जब आप नाराज होती है ना तो सौतेली वाली फीलिंग आती है फिर परी को। जानते हैं कितना प्यार करते हैं। आजकल तो आपके नाना अब्बा से कोई मकना टीटी लहरें उठ रही हैं जो आपको हर वक्त अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रहती हैं। हाँ ठीक कह रही हैं आप। आज देखा था कितना प्यार करे थे परी को। परी को तो लगता है उन्हें ना अपनी बेटी नजर आने लगी है परी में। हाँ उनको तो अपनी बेटी नजर आने लगी है। हमारी बेटी कहाँ गई, उड़ गई। की बेटी तो ये रही आपकी अच्छी परी, प्यारी परी। बाल बहुत सिल्की और मिल्की हो गए हैं, अब तो कॉम करना बहुत आसान होगा। अरे परी को जान से मार दिया, इसलिए इतना जुल्म करती है ना क्योंकि परी के मम्मा पापा नहीं है। चले गए मम्मा पापा परी को छोड़ के, चले गए।